इन दोनों बच्चों ने ना न्यू ईयर की पार्टी की प्लानिंग कर ली है, वो भी हमारे घर पे। और जहां तक मैं जानती हूँ, ये दोनों वीर जी और लवली को फिर से मिलाना चाहते हैं। पर्चियों में नाम मायरा कल का है। क्या ये सोच सिर्फ दोनों बच्चों की होगी, क्या इसमें लवली भी शामिल है? जो भी है, सच तो अब सबके सामने आके ही रहेगा। आपने वो खेल वाली पिक्चर देखी? यस यस, तूने वो फिल्म देखी जिसमें गेम था? हाँ जी, हाँ जी। मैं क्या किया, हम मॉम और डैडी से पार्टी में यही गेम खेलेंगे। और फिर सिकंदर जी और प्यास जी एक दूसरे को आई टू टू बोलेंगे। बोल आई लव यू, मेरे बोलने से क्यों होता है, हम दादा से बुलवाएंगे। अमीरी जी, आपका दिमाग तो रेलगाड़ी से भी तेज चलता है। हर मुश्किल की है ये दादी, अमीरी जी है चट से यार। और की पहले आपने सारी पर्चियों पे अपना नाम लिख कर सिकंदर जी से पर्चियां निकलवा ली, फिर इस पार्टी के लिए वन मारेगा। और अब तो सब तो प्यार इधर की लड़ाई है अमीरी जी। मोहम्मद मटाना यू है फिर एक दूसरे को आई लव यू बोलेंगे। सुकून ना। लवली को उस घर में मैं दोबारा जाने ही नहीं दूंगा, और ये पार्टी शार्टी तो मैं अभी कैंसिल करता हूँ। नहीं 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 अंकल, होने दीजिए पार्टी, इन बच्चों को इनकी मनमानी करने दीजिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? देखिए, अगर सच में ये अमायरा और कुल्फी की मिली भगत है तो इनका भांडा तो फोड़ना ही पड़ेगा ना, और वो मैं करूंगी, वो भी उसी पार्टी में सबके सामने, देख लेना। देवरानी जी, तुम्हारी वजह से मैं 6 महीने कुर्सी पे पड़ी रही। तुमने मुझे मेरे अपने पति से दूर रखा, अब मैं भी तुम्हें तुम्हारे पति से हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। माता रानी, ये सब कितना सुंदर और कितना चकमक है। जब नए साल की शुरुआत है, कितना सुंदर और चकमक है। पुराने दुराने कपड़े पहन के नाचे, प्यारी जी के सामने तो सारे के कराए पे मिट्टी पह जानी है। तो वही पर्ची जिसमें वीर जी ने अपना नाम लिखा है ताकि पार्टी हमारे घर में हो, लेकिन ये यहाँ कैसे आया? वीर जी से पूछती हूँ।
जी, मेरे पास एक बात पूछनी थी, आपने अपने पर्चे वाला बर्तन यहाँ घर पे क्यों रखा है? पर्चे वाला? सच वाला बोल, वो तो मैंने हॉल से उठाया नहीं। तो क्या सच है? पर्चे में जादू है? वो यहाँ उड़ के आ गई। सिपाही, किसी ने हमें पकड़ लिया कीवन। किसी को पता चल गया कि सारी चीज पे मैंने अपना नाम लिखा था ताकि पार्टी हमारे घर में हो। हो सकता है उन्हें ये भी पता चल गया होगा कि हम दोनों मॉम और डैडो को मिलवाने की प्लानिंग कर रहे हैं। हमारी सारी प्लानिंग पकड़ी गई केवन। तूने बोल उठा लिया ना? हाँ जी, वो तो वहीं पे पड़े। अच्छी, तूने वो छोड़ कैसे दिया? पहले जा और चिट वाला बोल उठा के ले गया। अगर मॉम को पता चल गया कि हम दोनों ये मिलके कर रहे हैं तो वो मेरी लाइफ ही उबल कर देंगी। अच्छी ना, तू तो एकदम चिंता ना करो, मैं अभी जाके पर्ची वाला बर्तन छुपा देती हूँ। ओवर एंड आउट। क्यों है? किसको? क्या हुआ? बुरी नजर को। बुरी नजर को? हाँ, आज आपने सोने लग गए। तो बुरी नजर को पग लग जाना चाहिए ना? मैं आपको काली टीका लगा देती हूँ। बाकी दीदी, काली टीके से नजर नहीं लगती। तू इससे आ पहले। नजर तो मेरे को तेरी उतारनी चाहिए। वाह, परी लग रही है। इधर आ। बच्चे, तुम परी लग रही है? इस सोनी लग रही है ना मेरी परी? कैसे किया था? फिर से कर। यार सिक्के? क्यों पापा जी? यार ये कैसा मेन्यू है यार? ये पढ़ने को नहीं आ रहे, नाम सारे खाएंगे कैसे भाई? हैं? क्यों लोगी? दिखा मेनू। फिर पड़ोगे पर्चे वाला बर्तन को क्या? मेरी जी को भी बताना पड़ेगा। इस मुश्किल की नानी भी वही बनेगी। ना पर क्या क्या करती रहती हूँ, पता नहीं कैसे गलती से बाहर छूट गया। तो अच्छा वो इन दोनों लड़कियों की नजर नहीं पड़ी, छुपा देती हूँ, पड़ेगी भी नहीं। कुंजन? हाँ हाँ बेबे, आई आई। इस सब ने मुझे पागल कर दिया है। मेरी चीज पकड़ी गई या मॉम को किसी ने दिखा दिया या मॉम को पता चल गया कि मैंने झूठ बोला था तो मॉम को मुझ पर टूमा चांग रहेगा। अगर मॉम जाना कभी तो कहते नहीं आ पाएंगे। ये हमारे पास टाइम है, मेरी चीज कोई हमें पकड़ नहीं पाएगा। देखो अभी प्यारे जी कितनी खुश लग रही है, इसका मतलब हमारी पर्चियां यहाँ कहीं घर में किसी ने छुपाई है। मैं ढूंढ तो लूंगी पर शुरू कहाँ से करूं? अगर तू ढूंढती फिर पकड़ी गई तो आइया। और मुश्किल की है ये रानी, मेरी चीज चंद से इस घर में क्या चीज कहाँ रखी है वो तुझे पैटर्न मुझे पता है। ढूंढूंगी मैं, लेकिन तुझे हमारे गेस्ट को बिजी रखना होगा ताकि उनका ध्यान मुझ पे ना जाए। ये देख कुल्फी। आजी आजी तुझे ढूंढो। ओके, पर मुझे सबसे बचाना, तुझे कुछ भी करके। तुझे चिंता ना करो, मैं सब कर लूंगी, लेकिन मैं सबका ध्यान बटाऊंगी कैसे? कुल्फी कुछ भी कर। आजी आजी सोचती हूँ।